सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हमारे राउंड ट्रस्ट के पावर लाइट की प्रोग्रामिंग ऑन GIDMX J19-1। तो हमने बॉक्स ट्रस के ऊपर बात कर ली, सिंगल ट्रस के ऊपर भी बात कर ली, तो आज हम राउंड ट्रस के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अंदर मेरी कुछ प्रोग्रामिंग है जो बॉक्स ट्रस की है और वो राउंड ट्रस के अंदर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पर एक हमारी ये प्रोग्रामिंग जिसके अंदर काफ़ी अच्छे से चल रही है, जो आप देख सकते हो, ये एक राउंड ट्रस की प्रोग्रामिंग मान सकते हो। दूसरी ये एक प्रोग्रामिंग है जो आप राउंड ट्रस के लिए भी ले सकते हो और बॉक्स ट्रस के अंदर भी लगा सकते हो। तो आज मैंने पावर लाइट को बाहर लगाया है, थोड़ी दूर दूर पर रखा है ताकि प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो और प्रोग्रामिंग का जो हमें लुक है वो भी एक अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि हम पावर लाइट पास पास रखते हैं तो उससे हमें एक अच्छी डिज़ाइन तो बना देते हैं लेकिन एक लुकिंग है वो अच्छी नहीं मिलती। इसलिए मैंने बाहर रखा है आज पावर लाइट को रूम से, और यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग देख सकते हो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी राउंड ट्रस की प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हमको स्केच बनाना है, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हम स्केच को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको प्रेस करके रखेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। और यहाँ पर हमारी जो प्रोग्रामिंग सेव हो यहाँ पर वो देख सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट ले लेंगे और जो एम्प्टी है या खाली है नहीं वहाँ से हम नई प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने प्रोग्राम सेव की है वो उसको डिलीट नहीं करने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने पैटर्न पर आ जाएंगे जहाँ तक हमारी सेव की हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 51 तक सेव है, 52 है वो खाली है। यहाँ से हम सभी बटन को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो रेड कलर आ रहा है उसको बंद कर देंगे। अगर यहाँ से हम जो बटन सेलेक्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट पर रेड है हमारे, जैसे इनको रेड बंद किया तो अभी भी 3 पावर लाइट के अंदर रेड आ रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि वो अभी सिलेक्ट नहीं है। तो इसको हम सिलेक्ट करके बंद करेंगे तो हमारी सारी पावर लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। अब हम इन सबको एक बार से वापस से बंद कर देना है जैसे हम क्या अपना प्रोग्राम एडिट कर सके। तो अब हमको एक सिंगल पैटर्न के अंदर रहना है जो राउंड ट्रस के लिए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, सबसे पहले हमारी एक पावर लाइट को सिलेक्ट करूँगा, उसके अंदर रेड कलर दूंगा जो आप देख सकते हो आ गया। दूसरी पावर लाइट को सिलेक्ट करूँगा यानी सबसे लास्ट से, क्योंकि हमारा पैटर्न है वो एक 12 पावर लाइट की सीरीज के है, यानी 6 हमारी इधर है 6 इधर है 12 पावर लाइट, और मैक्सिमम इस पर 12 ही ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर हम रेड लेकर इसको बंद कर देंगे यहाँ से, ताकि हमारा जो इधर हम रेड कलर रखने वाले 6 के अंदर, इधर हम रखने वाले ग्रीन कलर, तो हम इसको एक को रेड देकर बंद कर देंगे और 2 को हम यानी 12 को लेंगे और उसके अंदर ग्रीन कलर दे देंगे। ये हमारा एक कलर हो गया है, इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और 53 पर कर छोड़ देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और दोनों को नीचे कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को बंद कर देंगे, फिर 2 को लिया रेड दिया बंद कर दिया और 11 को लिया और इसके अंदर ग्रीन दे दिया, और इसको हम कॉपी कर देंगे हमारे 53 पर, ये हमारा हो गया कॉपी। तो इस टाइप से मैं सभी पावर लाइट को कॉपी कर लेता हूँ। ऑफ किया, यहाँ से 54 करके छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 3 सेलेक्ट किया रेड दिया, 3 को बंद करके 10 सेलेक्ट किया ग्रीन दिया। अभी हमारे पावर लाइट है वो सामने सामने होने चाहिए, तो हम इनको दे दिया है, इसको हम कर देंगे कॉपी, फिर नेक्स्ट चलेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे बंद, ये हो गए बंद। अब हमारी 4 सेलेक्ट की रेड दिया और इसको बंद कर दिया, 5 ले 9 सेलेक्ट की इन दोनों को दे दिया और इसको हम कर लेंगे कॉपी, फिर इसको हम कर देंगे बंद। ये हमारी 4 नंबर पावर लाइट है, ये भी ऑन है, इसको भी कर लेंगे बंद, ठीक है इन दोनों को। अब हमारी 5 नंबर है सेलेक्ट किया रेड दिया बंद किया, 8 नंबर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको कलर दे दिया 56 लिया और इसको कर दिया कॉपी, 57 लेकर छोड़ देते हैं, इन दोनों को हम कर लेंगे बंद। उसके बाद हमारी ये 1 है 6 और 1 है 7 जो कोने में लास्ट में वो पावर लाइट है, तो सबसे पहले 6 सेलेक्ट करेंगे रेड कलर देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अब बंद क्यों करना है, क्योंकि हम 7 के अंदर ग्रीन कलर देने वाले ना, तो इसको बंद नहीं करेंगे तो इसके अंदर भी ग्रीन कलर मिक्स हो जाएगा, तो इसके लिए इसको बंद कर देना। और ये हमारी हो गई 57 पर, ये हमारा कॉपी। अब देखो कभी कभार क्या हम भूल जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट लेना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जिसके अंदर प्रोग्राम सेव होगा उसके अंदर ये वाई आकार का आएगा और जो हमारा एम्प्टी होगा ना उसके अंदर ये एन आकार का आएगा, इस तरह से उल्टा यू आप देख सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी आप डबल यहाँ पर सेव कर लेते तो वो आप थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है।
इन दोनों को कर देना है बंद, फिर यहाँ से इसको कर लेना है ऑफ। चेस पर गए, सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको चैनल चूज करने का बोल रहा है, तो ये यहाँ पर मैंने तीन पहले ऑलरेडी सेव किए हुए, तो यहाँ पर मैं चार ले रहा हूँ। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमको जो पैटर्न लेना है ना उसको हमें कॉपी करना है यहाँ से। जैसे मेरा ये है फर्स्ट, इसको मैं यहाँ करूँगा कॉपी, या नंबर ध्यान रखना है 52 कॉपी कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया कॉपी। उसके बाद ये हमारा कॉपी हो गए 53 कॉपी, 54 कॉपी, 55 कॉपी, 56 कॉपी, और ये हमारा 57 कॉपी। इसके बाद हम क्या करें, ये हमारा सिंगल राउंड हो गया, यानी यहाँ से पार लाइट लगती हुई उधर जाएगी। अब वापस वहाँ से हमको रिवर्स भी लेना है कि लगती हुई वापस यहाँ तक भी आए। तो हम क्या करेंगे, हमारा 57 कॉपी किया हुआ है उसको नहीं करना है, क्योंकि अगर उसको करेंगे तो पार लाइट वहाँ पर रुक जाएगी 2 सेकेंड के लिए, तो उसको नहीं कर देना है। 56 को कॉपी, 55 को कॉपी, 54 को कॉपी, 53 को कॉपी, ये हमारा 52 को कॉपी। तो ये हमारा सेव हो गया 4 पर। इसको अब यहाँ से हम कर लेंगे बंद। प्रोग्रामिंग कभी भी बंद करने के बाद अगर आप उसको पेज पर जाकर प्ले कर रहे हो, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे ये स्टार्ट हो जाएगा, और अगर कभी आपके ये प्ले नहीं होता तो एक बार DMX को ऑफ करना और ऑन करना, ये आपकी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप हमारा देख सकते हो प्रोग्रामिंग, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रनिंग करे। मैं स्पीड को थोड़ी धीरे करके भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक तरफ से ग्रीन चल रहा है तो दूसरी तरफ हमारा रेड चल रहा है कलर, जो काफ़ी आकर्षक डिजाइन के अंदर ही हमारी पैचिंग बनी है, जो आप देख सकते हो।